नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर का यूट्यूब चैनल उत्तराखंड यूपी। मैं हूं रुद्रपुर से अपने सहयोगी महेंद्र पोपली के साथ भास्कर पोखरियाल। खास खबर यहां पर यह है कि डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणेन की पैरवी पर विगत शाम को यहां पर एक अहम बैठक हुई जो यूपी के सीमावर्ती जिलों से थी। आगामी विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जुड़े जिले बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर के जिलों से वहां के पुलिस के आला अधिकारी और मुरादाबाद और रामपुर के जिलाधिकारी सहित शाम को बैठक करी और गहन मंत्रण करी कि उत्तराखंड और यूपी में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, किसी तरह का कोई भी विवाद रहो और चुनाव हर तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। उन्होंने डीआईजी ने एक चुनौती और भी दी कि जितने भी उनके आसपास जिलों में जो अपराधी हैं उनकी सूची बनाई जाए और तत्काल उनको जिलाबदर करने के साथ ही उन पर जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो की जाए, चुनाव हर तरह से शांतिपूर्ण होने। आइए देखते हैं इस बैठक की एक झलक और क्या कहना है डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे का। दैनिक भास्कर के साथ एक खास रिपोर्ट। आज जो है हमने उत्तर प्रदेश के जो सरहदी जनपद है, जो उधम सिंह नगर से लगने वाले जो रेंज है, जिसमें बरेली रेंज और मुरादाबाद रेंज के जितने भी जनपद जो जिले उधम सिंह नगर से सटे हुए हैं, उनके साथ एक बॉर्डर मीटिंग रखी हुई है, जिसमें समस्त जो है वरिष्ठ अधिकारियों को जो है और पुलिस के और राजस्व के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, ये एकत्र होकर जो अभी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो है साथ में होने हैं, तो उसमें जो भी आपसी कोऑर्डिनेशन है उसके लिए बैठक बुलाई गई है। जो हमारे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, चेकिंग पॉइंट्स, बॉर्डर पॉइंट्स, जिसमें जॉइंट्स कार्रवाई हमको करनी है, कुछ ऐसे न्यूसेंस एलिमेंट है जो वहां के यहां आश्रय लेते हैं या यहां के वहां आश्रय लेते हो, उनकी सूचनाओं की आदान प्रदान भी है, जो वारंटी है और जो इनामी है, इस तरह प्रकार के, तो वो भी हम लोग जो लिस्ट है वो उनको शेयरिंग कर रहे हैं, ताकि जो है एक दूसरे को सहयोग इसमें मिल सके। क्राइम केस में अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी करता है आशंका के मद्देनजर, तो आपसी जो है परिचय भी हो जाएगा उसमें, फोन नंबर शेयरिंग वगैरह, तो जिससे कि हम लोग का जो है काम अच्छे ढंग से चुनाव का संपन्न शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। कुछ ऐसे अपराधी भी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर मीटिंग हो रही है, इसमें उधम सिंह नगर जनपद से 5 यूपी के जिलों की सीमाएं लगती हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, रामपुर। इन जिलों के डीएम्स और एसएसपी इस मीटिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, और जो मुख्य मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी है वो है, क्योंकि कई बार डुप्लीकेसी इन वोटर लिस्ट हो जाती है, एक आदमी का नाम दोनों ही बॉर्डर्स के आर पार गाँव में होता है, तो डुप्लीकेसी इन वोटर लिस्ट को रिमूव करना, इलेक्शन के दिन और उससे पहले बॉर्डर मैनेजमेंट, चेक पोस्टों को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, और वहाँ पे सीसीटीवी की व्यवस्थाएं करना, और इलेक्शन को प्रभावित करने वाले सामान, जो कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे बैरियर या चेक पोस्ट नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बैरियर या चेक पोस्ट लगवाना, और साथ साथ कुछ ऐसे बदमाश होते हैं जो मफरूर और फरार हुए रहते हैं, उनकी सूची का आदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे इन बदमाशों को पकड़ने में आसानी हो सके, शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। कुछ ऐसे अपराधी भी हैं जो रजिस्टर में निरुद्ध हैं और यहाँ टिकट मांग रहे हैं, कुछ ऐसे अपराधियों की लिस्ट वगैरह आदान प्रदान भी होगी? नहीं, इसमें चुनाव के मद्देनजर जो भी न्यूसेंस एलिमेंट है उनके न्यूसेंस एलिमेंट की सारी सूचनाएं जो है हम आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, ताकि जो है चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न कराया जा सके। ठीक है, पीछे।